तो एसआईटी ने कहाँ अभी तक किस मुकाम तक पहुंची है, कितने लोग को पकड़ी है, आज तक तो सर हमें नहीं पता है। जो हाईलाइट किया हुआ है वो सिरा डिजिटल बोकारो का रिजल्ट है, ये टॉपर है, टॉपर का लिस्ट जो है वही से पैदा हुआ है। ये कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि सीधा सीधा धाराधार जो है ये धांधली है। पिछले साल पीजीटी की परीक्षा अगस्त सितंबर माह में आयोजित की गई थी। कुल 11 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 8 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही से 4 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया था, और रिजल्ट जारी होते ही पीजीटी के अभ्यर्थी राजभवन के पास धरना में बैठ गए। ऐसा हमेशा हुआ है कि जैसे ही किसी परीक्षा का रिजल्ट झारखंड में जारी किया जाता है, उसके ठीक बाद तुरंत राजभवन या मोराबादी के पास विद्यार्थी धरना में बैठ जाते हैं। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे, पूरा मामला क्या है और किन मांगों के लेकर अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख मोहसिन है। क्या मामला है आपका? हम लोग का मामला ये है कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है, और सरकार को ये बात पता है या नहीं पता है नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसका पहले जांच हो और उसके बाद रिजल्ट हो, और जांच की शुरुआत आपके माध्यम से बना, जांच की शुरुआत उन लोगों से होना चाहिए जो यहाँ पर धरने में बैठे थे, रिजल्ट की मांग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को पर्सनली जानते हैं कि उन लोग सेटिंग में शामिल है, और सेटिंग में सिर्फ शामिल ही नहीं। आप बताइए धांधली क्या हुआ? हाँ, धांधली क्या हुआ? आरोप लगा रहे हैं। हाँ, जो आरोप लगा रहे हैं, धांधली ये हुआ है, आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि जब ये एग्ज़ाम हो रहा था पीजीटी का, तो एक दिन पहले हम लोगों को कॉल आता था कि आप 2 लाख रुपया दीजिए और सर्टिफिकेट दीजिए, रात में आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। हम लोग बोले कि ऐसा कैसे, ये बात हम लोग जाकर जैसे को बताए कि सर ऐसा चल रहा है, तो बोले ऐसा कोई बात नहीं, भ्रम में मत रहिए। ठीक है, वो भी मान गए। और उसके बाद सुनिए, एक सेंटर सीरियाल बोकारो है, वहाँ से मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो गए, 16 रिजल्ट वहीं से है, 513 रिजल्ट वहाँ से है, 3000 सीट में 513 वहीं से 16 रिजल्ट वहीं से हो जाता है। और सिर्फ रिजल्ट नहीं होता, वहाँ से टॉपर पैदा होता है। आपको प्रूफ देना चाहते हैं ना कि यहाँ पे आपके कैमरा के माध्यम से देखिए कि जो हाईलाइट किया हुआ है वो सिरा डिजिटल बोकारो का रिजल्ट है, और क्या चीज़ का है, कॉमर्स का हाईलाइट किया हुआ, कॉमर्स का। और आगे देखिए यहाँ पे जो है न, ये ज्योग्राफी, ये क्या है, ज्योग्राफी, 2 में 1 सिर्फ ज्योग्राफी, एक ही सेंटर से रिजल्ट है न। और आगे देखना चाहते हैं आप ने? और ये मत सोचिए, आपको बोल रहे हैं कि टॉपर पैदा हुआ वहाँ से हर एक सब्जेक्ट का, तो टॉपर का लिस्ट देखिए, ये टॉपर है, टॉपर का लिस्ट जो है वही से पैदा हुआ। अरे एक ही सब्जेक्ट का नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का टॉपर होता है ना। तो ये कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि सीधा सीधा धाराधार जो है ये धांधली है, चोरी है, कबाड़ी है। तो इसलिए हम लोग और एक बात और बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, सेंटर का नाम क्या बोले, सिरा डिजिटल बोकारो, और एक सेंटर और है सिवा इन्फोटेक रांची। और सिवा इन्फोटेक रांची के बारे में एक बात बताते हैं आपको, जेई का एग्ज़ाम वहाँ पे पहले हुआ था, पीजीटी एग्ज़ाम से पहले। जेएसएससी का एक रूल है कि जो सेंटर धांधली करते हुए सेंटर पकड़ा जाएगा किसी एग्ज़ाम में, वहाँ कभी सेंटर नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम का जेएसएससी का द्वारा। लेकिन जेई में क्या हुआ, वहाँ पर धांधली में पकड़ाया लोग, और वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया जेई का, फिर भी वहाँ पीजीटी का सेंटर दे दिया गया, और वहाँ से मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटर ही शामिल थी सेटिंग करवाने में। तो आप सेंटर में कैसे दिए ना, इसी तरह से सिरा डिजिटल बोकारो का रिजल्ट भी इसी तरह से हुआ। और एक बात और बताना चाहते हैं, सीजीएल का एग्जाम आपके माध्यम से पता होगा, जो आप बता रहे सेंटर का नाम, आपका ये कहना है कि वहाँ सबसे ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए और टॉप किए, आपके पास क्या प्रूफ है जिसके लेके आप लोग धरना में बैठे हैं? आपको यही प्रूफ दिखा रहे थे कि देखिए 102 आपके साथ कितना है जो इस तरह का आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, आप लोग जो कितने संख्या में लोग, हम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं राउंड ऑफ समझ लीजिए कि 1 लाख होंगे, हम लोग अलग अलग जगह पे होंगे, एग्जाम चल रहा है हम लोग का, तो हम लोग बुक लेके बैठे हुए यहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि 5 दिन 6 दिन के बाद एग्जाम भी हम लोग का। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये इस पे पीजीटी एग्जाम पे पहले जाँच बैठ जाए, उसके लिए मांग कर रहे हैं हम लोग, ताकि मांग भी हो जाए, जांच हो, जांच के बाद आप फेयर कैंडिडेट को जॉब दे दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मांगों को लेकर किन किन से अभी मुलाकात कर चुके हैं और क्या आश्वासन मिला है? हम लोग मुख्यमंत्री जी को मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को नहीं मिलने दिया जा रहा है, हम लोग को भगा दिया जा रहा है गेट पर से, हम लोग कल्पना मैम से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, भगा दिया जा रहा है गेट पे, हम लोग जेएसएससी अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से मिलने नहीं दिया जा रहा है हम लोग को। और किसको मिलने दिया जा रहा है, सेटिंग वाले को, सेटिंग वाला लोग कैसे मिल दे रहा है मुख्यमंत्री से, सेटिंग वाला कैसे मिल रहा है कल्पना सोरेन मैम से, क्यों? क्योंकि उन लोग जिसके थ्रू सेटिंग में शामिल था उन लोग मिलवा दे रहे हैं उन लोग से। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि पहले जांच होना चाहिए पीजीटी पे, उसके बाद ही सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम समझते हैं कि आखिर पूरा मांग है क्या है जिसके लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दीदी क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का बस यही मांग है कि
जो भी धांधली हुआ है उस पर जांच बैठे और हम लोग को न्याय मिले जी, क्योंकि हमारा भी मतलब जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स है, मतलब होने का उम्मीद था कि हो जाएगा, पर जो ये धांधली हुआ उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो हम लोग कहाँ से हैं? हम लोग यही रांची से ही हैं हम जी। क्या भैया क्या है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है आप लोग के लिए? सर आप देखेंगे कि जो पीजीटी का रिजल्ट है वो बहुत बड़ा एक स्कैम है, और स्कैम ऐसे है सर कि ये जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब से इसमें कुछ ना कुछ लूप हॉल है जो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले सर आप देखेंगे कि सेंटर को अलॉटमेंट को लेकर था कि एक ही सेंटर से इतने सारे लोग पास आउट कर गए हैं, जो श्रेया डिजिटल का नाम आ रहा, मतलब सर आप देखेंगे तो श्रेया डिजिटल बोकारो से अगर मैथ्स में आप देखेंगे कि टोटल 85 जनरल का सीट है, वहाँ से 65 कैंडिडेट वहीं से क्वालिफाई किए सेम डे पे। ये पॉसिबल कहीं से भी टेक्निकली पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि कोई लड़का मैथ्स में 150 में 140 145 मार्क्स उठा ले, उसमें से भी 28 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रॉन्ग है? क्या रॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं लगेगा? नहीं, एक बच्चों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मुश्किल से 30 सेकंड में सॉल्व कर लेगा, कैसे पॉसिबल है सर? ये टेक्निकली पॉसिबल है नहीं। दूसरी चीज़ है सर, जंबलिंग के लिए केस आया, जंबलिंग के लिए भी सब हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया, जेएससी के साथ जंबलिंग हुए है। अच्छा, अभी अभी क्या क्या मांग है, मांग बताइए अभी मांग क्या? सर अभी हमारा सिंपल से एक ही मांग है कि 461 जो लोग श्रेया डिजिट 481 जो श्रेया डिजिटल से क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, उनके ऊपर सबसे पहले हम ये नहीं बोल रहे कि सारे ने ऐसे किए होंगे, बट उनके ऊपर सबसे पहले जांच करवाया जाए। ये आप देखे होंगे कि SIT भी गठित हुई थी जब पेपर लीक हुई थी, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम हुआ है वो सातवां इन्फोटेक ने CGL का भी एग्ज़ाम लिया है और PGT का भी एग्ज़ाम लिया है। तो जब उसमें CGL में ये बता दिया गया कि कंपनी को डिपार्ट कर दी कि यही कंपनी जो पेपर ने लीक करवाया है, तो आप ये बताइए कैसे पॉसिबल है कि PGT के फेयर एग्ज़ाम लिया होगा? और अगर SIT गठित हुई थी इस चीज़ के लिए CGL के लिए, तो SIT ने कहाँ अभी तक किस मुकाम तक पहुँची है, कितने लोग को पकड़ी है? आज तक तो सर हमें नहीं पता है, ना किसी तरह गुजर के न्यूज़ आए हैं। मीडिया बंधुओं से आप लोग पूछते हैं, अगर आप लोग भी कभी जाएँ तो सरकार से पूछिए कि SIT कहाँ तक गई है। SIT कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे साथ PGT के अभ्यर्थी थे, लगातार ये लोग राजभवन के पास धरना पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि श्रेया डिजिटल जो बोकारो में है वहाँ पे गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, और वहाँ पे जांच की मांग कर रहे हैं कि उस परीक्षा केंद्र में जितने अभ्यर्थी हैं सभी के जांच की मांग कर रहे हैं और CBI की जांच की मांग कर रहे हैं। अपने सहयोग निश्चित के साथ यशवंत कुमार 99 न्यूज़।